हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जालमी के बीच में रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 1 मार्च को दोपहर के 2:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है फैन कोड पर। तो रावलपिंडी के अंदर ये इस साल का पहला मुकाबला होने वाला है और यहाँ की जो पिच है एकदम पाटा पिच है, भर भर के रन बनने वाले हैं, गेंदबाजों को बिल्कुल हेल्प नहीं मिलने वाली। दोपहर का मुकाबला तो टीम है यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ लाहौर कलंदर्स के बारे में, और मेरा तो मतलब मन ही नहीं होता इस टीम के बारे में बात करने का। ये टीम अपने 6 में से 6 मुकाबले हार चुकी है। मुझे हर मुकाबले में लगता है ये लोग इस बार वापसी करेंगे, प्लेयर अच्छे हैं, पर सारे के सारे प्लेयर हर मुकाबले में एक तरह खेलते हैं। ना इनकी बैटिंग अच्छी, ना इनकी बॉलिंग अच्छी। शाहीन अफरीदी ने पिछले मुकाबले में कहा कि ये हमारा सबसे खराब प्रदर्शन था। भाई वो खराब नहीं था, तुम 6 में से 6 हार चुके हो, सबके सब खराब ही थे। मतलब अब इस टीम को क्वालिफाई करना मेरे हिसाब से इंपॉसिबल हो चुका है। इस वजह से इनकी प्लेइंग 11 क्या होगी इसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। अब मैं आपसे बात करता हूँ पेशावर जालमी के बारे में। तो पेशावर ने अपने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और ये टीम ना पेपर के ऊपर मुझे काफी अच्छी लग रही है, और मैदान के ऊपर भी जो इस टीम का फॉर्म है ना बहुत ही ज्यादा शानदार है। बाबर आजम ने बहुत ही कमाल की सेंचुरी मारी पिछले मुकाबले में। बाबर आजम इस साल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही शानदार फॉर्म में, फिर एक बार वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। सैम अयूब की बल्लेबाजी भी काफी डिसेंट थी, उसके अलावा सैम अयूब ने गेंदबाजी के अंदर भी 1 विकेट निकाला। तो सैम अयूब तो बहुत ही कमाल के प्लेयर है ही। इसके अलावा इस टीम में रोमन पावल है, मोहम्मद हारिस है, पॉल वॉल्टर है, आसिफ खान है। तो इस टीम की बैटिंग मुझे काफी शानदार लग रही है, और अब ये टीम में 200 के आंकड़े को तो आराम से पार कर लेती है। गेंदबाजी में पिछले मुकाबले में स्पिन गेंदबाज आरिफ याकूब ने 5 विकेट निकाले। याकूब की गेंदबाजी बहुत ही शानदार थी पिछले मुकाबले में, फिर एक बार वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। नवीन उलक की लाइन लेंथ भी मुझे काफी अच्छी लग रही है इस टीम के लिए, हालांकि इस मैदान पर गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा। फिर सलमान इरशाद इस टीम के अंदर आपको दिखाई देते हैं, ल्यूक वुड दिखाई देते हैं, पॉल वॉल्टर बाजी करेंगे। तो पेशावर की बैटिंग भी अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी है, ये लोग इस मुकाबले के अंदर कमाल करना चाहेंगे। तो पेशावर के लिए ओपन कर सकते हैं बाबर आजम और सैम अयूब, नंबर 3 पे मोहम्मद हारिस, नंबर 4 पे हसीबुल्ला खान, नंबर 5 पे पॉल वॉल्टर, नंबर 6 पे आसिफ अली, नंबर 7 पे रोमन पावल, फिर आपके आते हैं ल्यूक वुड, नवीन उलक, आरिफ याकूब, और आखिरी में आएंगे सलमान रिशा। तो ये टीम होने वाली पेशावर के इस मुकाबले में। मुझे हर बार लगता है लाहौर वापसी करेगी, पर मुझे लगता है इस मुकाबले के अंदर पेशावर को जीत मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इस तरह की वीडियोज देखने के लिए मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।